इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। बात आज से 2 दशक पहले जाड़े की सर्द रात की, जब जंगल में पुलिस की टुकड़ियां 375 नंबर रूट पर चलने वाली रात की आखिरी बस को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो 2 दिन से डिपो पर पहुंचा ही नहीं था। जिस बात से बस का मालिक और साथ ही ड्राइवर कंडक्टर के परिवार वाले भी परेशान थे। ड्राइवर की बीबी बार बार ये इल्जाम लगा रही थी कि हो ना हो वो लेडी कंडक्टर ही उसके पति को लेकर कहीं गायब हो गई होगी, क्योंकि उसे अपने ड्राइवर पति का अपने ही बस के लेडी कंडक्टर के साथ अफेयर चलने का शक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन सभी फिजूल बातों से हटकर लेडी कंडक्टर के परिवार को एक चिंता सता रही थी कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। फिर आखिर में इन सभी चीजों का पुलिस को एक ही उपाय दिखा कि उस बस को ढूंढ लिया जाए ताकि सारी परेशानी ही दूर हो जाए। इसलिए वो सभी जहां से बस गायब हुई थी उसके पास वाले जंगल में छानबीन करने लगे। उस रात का सुरूर अपने जोर पर था। जंगल में हर तरफ धुंधी धुंध फैली हुई थी और सभी लोग जंगल में उस बस ड्राइवर और कंडक्टर को आवाज दे रहे थे। कांस्टेबल सोहन भी ड्राइवर की तलाश करते करते अपनी टीम से काफी आगे निकल चुका था। फिर जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए उसका पूरा शरीर कांप गया, डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी। फिर उसने ध्यान दिया कि उसके मोबाइल का कॉलिंग वाइब्रेशन पर है। घर का कॉल देखते ही उसने कॉल उठा लिया। पापा आप घर कब आओगे? आज मेरा बर्थडे है और आप आज भी लेट। बस बेटा अभी निकल ही रहा हूं। सोहन ने इतना ही कहा कि उसे ऐसा लगा पीछे से निकलकर नीचे की ओर भागा। उसे देखने के लिए सोहन ने जैसे ही अपने पांव आगे बढ़ाए वो फिसलते हुए सीधे नीचे की ओर जाने लगा। सोहन की तेज आवाज इस कष्ट को लीड करने वाले ऑफिसर कबीर के कान में जा पहुंची और उसने चीखते हुए सभी से कहा, सभी सावधानी से सोहन की आवाज की तरफ बढ़ो, लगता है कुछ हुआ है। कबीर का ऑर्डर सुनते ही सभी ऐसे सावधान हुए कि जंगल में सन्नाटा और भी बढ़ गया। किसी के हाथ में पिस्तौल थी तो किसी के हाथ में लाठी और वो सभी ढलान से होते हुए सोहन के पास पहुंच गए, जिसका पूरा शरीर वहां गिरे एक पेड़ की टहनी के आर पार हो गया। इससे पहले कि कबीर उससे कुछ पूछ पाता उसने दूसरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए अपना दम तोड़ दिया। तभी कबीर का ध्यान वहां पर पड़े मोबाइल पर गया जिस पर लगातार किसी की आवाज आ रही थी। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं, ऐसे चुप क्यों हो गए? आप आ रहे हैं ना, मेरे सभी दोस्त इंतजार कर रहे, कब आओगे आप पापा? कॉल पर आ रही सोहन की नन्ही से बच्ची की आवाज सुनकर कबीर का दिल पसीज गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्ची को कैसे समझाए कि अब उसके पापा कभी घर नहीं आएंगे। कबीर के लिए कुछ भी कहना मुश्किल था, पर उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटा अभी तुम्हारे पापा बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, आप केक काट लो, पापा आ जाएंगे। ओके अंकल, पर आप पापा को जल्दी भेज देना, मैं उनके गिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। इतना कहते ही सोहन की बेटी कॉल काट देती है और कबीर गुस्से में कहता है, बस को छोड़ो और आसपास ध्यान से देखो, कौन है जिसने सोहन का ये हाल किया है। कबीर ने अभी इतना कहा ही था कितने में उनकी टीम से एक कांस्टेबल ऐसे औंधे मुंह गिरा जैसे किसी ने उसके पांव को पीछे खींच लिया हो और घसीटे हुए झाड़ियों से होते हुए कहीं ले जा रहा हो। कबीर समेत सभी उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े और वो तेजी से उस पार जाकर किसी बड़ी चीज से टकरा गए, जिससे इतनी तेज आवाज हुई कि रात में भी चिड़िए और चमगादड़ों का झुंड उनके सिर पर मंडराने लगा। लेकिन उस घने अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर वो इतना समझ पा रहे थे कि अब घने जंगल में नहीं बल्कि वो किसी खुली जगह पर है, क्योंकि आसपास धुंध ज्यादा थी और ठंडी बहती बयारें और भी तेज हो चुकी थी। डर के मारे उस सर्द रात में भी
सभी के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन कबीर नहीं रुका। वो आगे बढ़ते हुए बोला, कौन है यार, सामने क्यों नहीं आते? कबीर की इतना कहते ही सामने धुंध के पार लाल पीली लाइट चमकने लगी। लाइट देख कबीर ने तुरंत ही अपनी पिस्तौल निकाल ली और एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ने लगा। धुंध के उस पार निकलते ही कबीर की नजर सीधे उस कांस्टेबल पर पड़ी जिसे किसी ने झाड़ियों के पार खींच लिया था। तभी उसने ध्यान दिया कि वो कांस्टेबल एक बस पर टिका हुआ बेहोश है और अचानक से लाल पीली रोशनी भी इसी बस के आगे पीछे की लाइट से आ रही है। नंबर मिलाने पर पता चला कि वही बस है जिसकी उन्हें तलाश थी। रूट नंबर 375 की वो आखिरी बस। कबीर अपने साथ बचे बाकी लोगों को इशारा करता है कि चेक करे कि कोई आसपास है या नहीं और खुद बस के अंदर चला जाता है। बस के अंदर जाते ही कबीर उल्टियां करने लगा था, फिर खुद को संभालते हुए हेडक्वार्टर फोन करके बोला, हमने बस ढूंढ निकाली है और इसमें ड्राइवर कंडक्टर के साथ तीन और लाशें, बहुत ही बुरी हाल में। तीन और लाश का नाम सुनते ही कबीर के साथ में खड़ा एक कांस्टेबल चौंक गया और बोला, मतलब उस बूढ़ी औरत ने सच कहा था? कौन बूढ़ी औरत, पूरी बात बताओ। कबीर के पूछते ही उस कांस्टेबल ने उस रात की पूरी कहानी शुरू से बताई जब 375 नंबर रूट का ये आखिरी बस अपने सफर के लिए निकली थी। क्योंकि ये बस सबसे आखिरी थी तो चलने का समय भी देर रात का था और पैसेंजर उसमें गिने चुने ही थे। ड्राइवर कंडक्टर के अलावा एक कपल, बूढ़ी औरत और उससे आगे बैठा एक नौजवान शख्स। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर बस तेज रफ्तार में चली जा रही थी और बस के अंदर सभी शांति से बैठे हुए थे, पर बूढ़ी औरत न जाने क्यों थोड़ी घबराई हुई थी और उसके आगे बैठा वो लड़का कान में हेडफोन लगाए सीट से अपना सिर टिकाए गाना सुन रहा था। अंधेरे का फायदा उठा आगे बैठे कपल एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी थोड़ी देर बाद बस के ड्राइवर ने एक जोरदार ब्रेक मारी जिससे वो दोनों और करीब आ गए। साथ उन्हें ये भी ध्यान आ गया कि उनका स्टॉप आ गया और वो उतर गए। बस आगे निकल पड़ी पर कुछ दूर आगे ही ड्राइवर को सड़क किनारे तीन लोग और दिखाई दिए। ड्राइवर ने उनके पास बस रोकी और इससे पहले कि वो कुछ बोलता वो तीनों बस में चढ़ गए। एक आदमी, एक कमसिन औरत और उसके साथ एक बच्चा जो करीब 12-13 साल का रहा होगा। वो तीनों जाकर पीछे बैठ गए। उनको देख बूढ़ी औरत थोड़ा घबराने लगी क्योंकि तीनों काफी अजीब दिख रहे थे। तीनों के सर पर हैट, रात के अंधेरे में काला चश्मा और उनके वो हैवी ओवरकोट। उनसे घबरा कर वो बूढ़ी औरत उठकर लेडी कंडक्टर के पास गई और उनके कान में फुसफुसाई, ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लेडी कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत को समझाया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हो सकता है कि वो किसी नाटक कंपनी में हो, और देखिए ना कितने शांति से बैठे हैं। बूढ़ी औरत उसकी बातों पर भिनभिनाते हुए अपनी सीट पर आती है और आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरा पर्स चोरी हो गया। उसकी आवाज सुनकर कंडक्टर भी वहां आता है पर उसे किसी के पास पर्स नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपने बैग चोरी करने का इल्जाम अपने आगे बैठे तीनों लड़कों पर लगा देती है। पर ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि आगे बैठकर पर्स कोई कैसे चुरा सकता है। पर बूढ़ी औरत ने जिद लगा रखी थी कि बस पुलिस स्टेशन ले चले, जिस पर ड्राइवर ने उन्हें अगले स्टॉप पर उतार दिया और उन्हें बता दिया कि आगे पुलिस स्टेशन है और बस निकल गई। क्या यार दादी अम्मा, आखिरी बस थी, ये भी छुड़वा दिया आपने, और मैंने नहीं चुराया आपका कोई पर्स वर्स। मुझे पता है, मैंने तुम्हें गाड़ी से इसीलिए उतारा ताकि तुम जिंदा बचे रहो। तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा पर मैंने देखा, गाड़ी में जो तीन लोग चढ़े थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे, क्योंकि उनके पाँव नहीं थे। उस नौजवान लड़के को बुढ़िया की बातें मनगढ़ंत लग रही थी और वो उससे वहीं बहस करने लगा। इतने में वहां गश्त लगाते हुए सोहन और उसके साथ और कांस्टेबल पहुंचा। उन्होंने पहले उनके बहस को शांत करवाया
और फिर पूरी बात सुनी। फिर उन्हें भी बुढ़िया की बातें बकवास ही लगी, इसलिए सोहन ने साथ के कांस्टेबल को बूढ़ी औरत को घर छोड़ने को कहा और खुद उस लड़के को गाड़ी पर बिठा उसे उसके घर छोड़ने चला गया। और आज वो बस कई दिनों बाद जंगल के पार इस नदी के किनारे मिली, पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि बस यहां पहुंची तो कैसे पहुंची। धीमे धीमे रात के अंधेरे के बाद सुबह का उजाला भी आने को तैयार था। बाकी टीम भी यहां पहुंच गई थी, तभी फॉरेंसिक टीम ने जो बताया उससे सभी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर की जो लाश है वो तो कुछ दिन पुरानी है, पर बाकी तीन लाश जिस तरह सड़ रही हैं, उससे लग रहा है कि करीब 2 साल पुरानी लाश है। और तो और उनके पैर भी कटे हैं। ये सब बातें सुन कबीर नदी किनारे उन दो लोगों से दूर हटकर जंगल की तरफ चल दिया। फिर अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाते हुए कांस्टेबल से पूछा, क्या यही है वो बूढ़ी औरत? हाँ सर, यही है। अबे साले ये तो। कुछ कहते कहते कबीर जंगल की तरफ चला जाता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। जंगल चारों ओर घूमते हुए नजर आने लगता है और कान में एक आवाज गूंजती है, मैं तो तुझे एक पागल बुढ़िया लगी थी ना, जो रोज तेरे पास अपने अंधे बेटे बहू और पोते के इंसाफ के लिए इंसाफ मांगने आती थी। पर तू करता भी तो क्या, तेरा सिस्टम तो कागज पर विश्वास करता है ना, और मेरे बच्चों की तो कभी लाश भी नहीं मिली, पर आज अपने बच्चों की लाश के साथ साथ उनके गुनहगारों की लाश सौंपे जा रही हूँ, लिख लेना अपने कागज पर। इस आवाज के बंद होते ही कबीर के कान में एक एक करके वो सारी यादें गूंजने लगती हैं, जिस बूढ़ी औरत ने कबीर से कही थी आज से करीब 2 साल पहले इसी बस में उस बुढ़िया के बच्चे अपना सफर पूरा करने के लिए चढ़े थे। उस रात बस में सोहन भी था और ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी हवस मिटाने के लिए उसने पहले उसके पति को मारा और फिर उसकी पत्नी के साथ गंदा काम किया। और जब लेडी कंडक्टर के साथ उनका बच्चा वापस आया तो उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा। सोहन ने डरा धमका कंडक्टर का भी मुंह बंद करवा दिया था और लाश को ऐसे ठिकाने लगाया कि किसी को मिली ही नहीं। बुढ़िया ने अपने बच्चों के साथ हुए इस क्रूरता की दास्तां को फोन पर तो सुन लिया, पर लाश ना मिल पाने के कारण इंसाफ ना दिला पाई और फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते मर गई। ये सब चीज सोचते हुए कबीर जंगल में ही गिर पड़ा और सोचने लगा कि काश मैंने उस बूढ़ी औरत की बात मान ली होती तो आज ये सब होने से मैं रोक पाता। फिर यही सोचते हुए उसकी बंद होती आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।